नमस्कार मित्रों, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के इस इनिशिएटिव जैसे एक प्रोग्राम टेलेनोसिस के कार्यक्रम में जैसे हमने डॉक्टर सुधीर शाह को सुना, मे बी दैट वाज द वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ एनी साइंटिस्ट कनेक्टिंग हिज सक्सेस विथ अकल्ट साइंस लाइक पामिस्ट्री एंड अदर ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कुछ इसी तरह से हो सकता है कि यह विश्व में यूनिवर्सिटी के मंच पर पहला लेक्चर हो जिसमें ज्योतिष के आर्थिक पहलुओं को सबके सामने चर्चा में लाया जाएगा, क्योंकि जब तक इसके आर्थिक लाभ हम नेशनल लेवल पर या किसी राजकीय स्तर पर नहीं प्रस्तुत करेंगे तब तक हम ये कैसे आशा रखें कि ज्योतिष शास्त्र का सम्मान बढ़े। इसलिए मैंने निवेदन किया है सुश्री शिखा शर्मा से, जो कि एक साइंस ग्रेजुएट हैं, फिर उन्होंने एमए किया फिलोसॉफी में, उसके बाद में एमबीए किया फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में। इस तरह से उनकी जो मॉडर्न सेटअप की जो खोज है वो उन्होंने जारी रखी, साथ साथ में आपका ज्योतिष शास्त्र का भी बड़ा गहरा अध्ययन है, अध्यात्म में भी आपकी बड़ी रुचि है और दर्शन शास्त्र में भी आपका बड़ा रीच है उसमें। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया है कि आज वो टेलिनोसिस के अलग अलग जो आयाम है, किस तरह से लाभ हो सकता है पूरे समाज को, पूरी मानवता को, उस पर बोलें, क्योंकि इनके पास बहुत कम उम्र से एक बड़े पॉलिसी मेकिंग बैंक के अंदर अफसर के रूप में काम करने का इनको करीबन 35 साल का अनुभव है, और बहुत सीनियर पद पर रिटायर होने से पहले वो कई मिनिस्ट्रीज में एडवाइजर के रूप में रही। बैंक में अफसर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से उन्हीं को चुना जाता है जो एडवाइस दे सकें, ऐसे लोगों में से हैं। ये भूटान गवर्नमेंट की भी सलाहकार रही, तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने कितनी सिंसियरिटी से प्रभाव डाला होगा लोगों पर। सार्क जो मिशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए भी ये प्रतिनिधि रही। सो ये इनका परिचय है और आज का हिस्टोरिक लेक्चर लेने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। शिखा जी, कृपा करके हमको संबोधन करें। धन्यवाद राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय करने के लिए और मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जीटीयू का भी धन्यवाद जो उन्होंने इस विषय को चुना और विषय पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस मंच पर मैं देख रही हूँ हमारे मेरे बहुत सारे सीनियर्स लोग बैठे हैं, उन सबको प्रणाम। और इस ग्रुप में मैंने पिछले कई दिनों में देखा है बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत दक्ष लोग हैं और बहुत टेलिनोसिस की जो विभिन्न विधाएं हैं उनसे जुड़े हुए बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं। मेरा शायद ज्ञान उन विधाओं में उस स्तर का ना हो, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह इस राह की पथिक हूँ, यात्री हूँ, हम सब इस यात्रा पर एक साथ हैं। तो आप शायद जब मेरी बात सुनेंगे तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में रखेंगे, ना कि एक विशेषज्ञ दृष्टि की दृष्टि से। हाँ, जैसा रावल जी ने कहा कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं भारत सरकार के मंत्रालय में काम कर सकी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मुझे कुछ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने मेरी जो सोच और अनुभव का दायरा थोड़ा विस्तृत किया, तो उसका मुझे अवसर मिला। और मैं उन सब अवसरों के लिए मैं भगवान की और ईश्वर की बहुत आभारी हूँ कि मैं मुझे ये सब मौके मिल सके। मैं अपनी, चूँकि मैं मेरा जीवन का अधिकांश समय एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में निकला है, तो मैं अपनी बात आंकड़ों से कहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो टेलिनोसिस की यात्रा है, ये एक विशेष यज्ञ है, एक यात्रा है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं। और इसके लिए मैं एक दुआ से शुरू करूँगी, जो फैज़ अहमद फैज़ की एक बहुत मशहूर दुआ है, आइए हाथ उठाएँ हम भी, हम जिन्हें रस में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा एक खुदा याद नहीं, आइए हाथ उठाएं हम लोग।
इस दुआ के साथ मैं आप लोगों को से अनुग्रह करूंगी, आह्वान करूंगी कि आप लोग भी इस यात्रा में उसी भावना से जुड़े रहें जिससे ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और जिस भावना से GTU ने और रावल जी ने इस यज्ञ को शुरू किया है, इससे हम जुड़े रहें। आशा करती हूँ रावल जी भी जुड़ गए हैं। महेंद्र रावल जी सर, आपको प्रणाम। हमारा आपसे मेरा परिचय नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आपके बारे में रावल जी के माध्यम से, डॉक्टर सुनील पांडे जी के माध्यम से सुना है सर। हम आपको एक बार फिर से प्रणाम करना चाहते हैं। तो मैं अपनी जो कुछ बातें, जो आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी वो इस तरीके से है। ये PPT देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी तक नहीं देख पा रहे। एक मिनट, स्क्रीन नहीं आ रहा। ये शेयर स्क्रीन। हाँ, यहाँ से अभी शेयर हो रहा है जी। आ रहा अब देख पा रहे हैं हम लोग? परफेक्ट, अभी आ जी। तो टेलिनोसिस की जैसी हम अभी तक चर्चा करते आए हैं, हम थोड़ा सा एक डेफिनेशन लेंगे कि टेलिनोसिस है क्या चीज, जिसको अगर इसको अगर हम शब्द की उत्पत्ति के रूप से देखें तो ये देखेंगे कि टेली मतलब डिस्टेंस और डायग्नोसिस मतलब कि इस प्रॉब्लम को, किसी भी एक समस्या के बारे में हम अगर कोई जजमेंट लेना चाहते हैं, उसके कोई कारण का निदान करना चाहते हैं, तो ये एक विद्या है। यानी ये उस विद्या का नाम है जो कि उस घटना के बारे में हम जान पाएँ, उसके कारणों के बारे में हम जान पाएँ जिसमें हम खुद प्रस्तुत नहीं भी हैं, जो हमसे दूर हो रही है, हमसे कालातीत है, शायद पहले हो चुकी है या आगे होने वाली है। तो इस विद्या के बारे में कि जो विधाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें, और मुझे ये बताया गया है कि हम मुझे इनके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में बात करनी है, तो मैं कॉस्ट के बारे में बात करूंगी। पहले देखिए, हमारे पास, हम आम तौर पर मुख्यतः तीन तरीके की कॉस्ट लेते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हम सब जानते हैं, जो कि सीधे सीधे किसी भी, अगर हम कोई भी प्रयोजन करें, कोई प्रोजेक्ट लगाएं, तो उसमें हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम जानते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से उस कार्यक्रम को, उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट में नहीं लगती, लेकिन उसके इर्द गिर्द लगा करती हैं। लेकिन एक जो कॉस्ट है जिसको हम अक्सर भूल जाया करते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल अगर एक डेफिनेशन लें, तो वो ये है कि जो कॉस्ट, यानी कि जो संसाधन हम इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, इसमें ना लगा कर इससे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में लगाते, और उससे हमें क्या फल प्राप्त होते, उसकी वो गणना की जाती है। और इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लगाने का ये मतलब होता है कि अगर इस प्रोजेक्ट में हम जो हमारे संसाधन लगा रहे हैं, अगर इसको किसी और बेहतर तरीके से उसका उपयोग हो सकता, किसी और अल्टरनेटिव में, वैकल्पिक व्यवस्था में अगर हम उसको लगाते, तो हम उसका क्या फ़ायदा उठा सकते थे। और हम देखेंगे कि जो जिन जिन चीज़ों के लिए हम टेलिनोसिस का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट कॉस्ट तो है ही, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखें, तो मैं आपको कुछ आंकड़ों के थोड़ा परिचय कराऊंगी। ये हमने जाना अभी तक कि जो टेलिनोसिस है, उनके जो मेजर एप्लीकेशन है, उनके जो मुख्य उपयोग हैं, वो है मेडिसिन, क्राइम डिटेक्शन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इन जनरल जो हमारी कोई भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनके बारे में हम इसके इस टेलिनोसिस विद्या का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य जगत में आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मैंने ये आंकड़ा इकट्ठित किया है, जो ये कहता है कि हर वर्ष हम पूरे संसार की आय, ग्लोबल GDP का 10-11%, यानी लगभग 8.3 ट्रिलियन हम
सिर्फ अपने हेल्थ पर खर्च कर देते हैं, और ये 2018 का आंकड़ा, इससे ज्यादा करीब आंकड़ा मिलता नहीं। और उस वक्त ये 8.3 trillion था, पता नहीं कितने जीरो होंगे, शायद 7-8-9 zero होंगे US डॉलर्स। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो शायद हमारा कंप्यूटर उसको सहन नहीं कर पाएगा, उन जीरोस को। ये हमने 2018 में किया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और किस तरह से एक के बाद एक स्वास्थ्य की तरीके से एक ग्लोबल हम पेंडेमिक से अभी भी जूझ रहे हैं। तो ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हेल्थ यानी मेडिकल आवश्यकताएँ हमारी किस कदर हमारे जीवन पर हावी हैं। मैडम आपका पीपीटी चला दीजिए, पीपीटी आप चलाते रहिए। अच्छा नहीं चल रहा है ना सर? नहीं, वो आपकी एक ही स्लाइड दिख रही है। कॉस्ट ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस नहीं नहीं दिख रहा है वो। हाँ अब आया ठीक, सॉरी कभी कभी ये स्क्रीन फ्रीज हो जाता है जी। और एक जो विश्व की चार बड़ी जो कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से एक है प्राइस वाटर कूपर लाइब्रेंट, जिन्होंने ये बताया है कि इस हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो 6-7% बढ़ रही है, अभी भी ये बढ़ रही है। और ये भी फिगर पुराना है, 2018-19 का फिगर है। अगर हम आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये फिगर शायद 10-20-30% बढ़ चुका है। और ये उनका ऐसा अनुमान है कि जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, ये तो हम आधुनिक संसाधन का जो मेडिकल मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके भी 20% हेल्थ केयर कॉस्ट तो हम बिना कुछ किए ही उसको सेव कर सकते हैं, अगर हम कुछ रैशनल चीज़ों का इस्तेमाल करें, हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि हमारे मेडिकल जगत में, स्वास्थ्य जगत में थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि, और इस बारे में आपको बड़ी ये बात शायद जो मेडिकल जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि कि हमको आवश्यकता है कि मेडिकल जो इंटरवेंशंस हैं उनको हमें अब वाइजली चूज करना पड़ेगा, यानी उनको रैशनलाइज करना पड़ेगा, उनको इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि आज हमको अगर कोई छोटा सा भी बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको 50 टेस्ट बता देता है कि आप ये भी करा लीजिए, वो भी करा लीजिए, और ना मालूम क्या सारे। ऐसे लगता है कि जो स्वास्थ्य विज्ञान है वो टेस्ट पर आधारित है, पैथोलॉजी पर आधारित हो गया, ना कि निदान पर। जबकि उस दिन हमको रावल जी ने बताया कि हम बहुत छोटे से, अगर हमको नाड़ी परीक्षण आ जाए, हमको अपना स्वर परीक्षण आ जाए, तो हम अपने ये बहुत सारी चीज़ों का निदान हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट में कर सकते हैं। और इस बात की जानकारी, इस बात का एहसास, इस बात का की जागृति अमेरिका जैसे देश में, और वहाँ की जो सर्वोच्च संस्था है अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन, वो एक कैंपेन चला रही है जो ये कह रही है चूजिंग वाइजली, यानी कि हमको अपने, जब भी हम स्वास्थ्य के बारे में जगत में बात करें, हम पैथोलॉजी की बात करें, हम टेस्ट की बात करें, तो हम उसको वाइजली चूज करें। हम लगातार एक के बाद एक टेस्ट को ना करें, बल्कि आपस में जो हमारे पास लक्षण हैं उनको कोरिलेट करके हम आपस में बात करके देखें कि क्या निदान और सिंपल तरीके से हमको हो सकता है। तो जब ये जागृति विश्व स्तर पे आ रही है, एक उस देश से आ रही है जहाँ की मेडिसिन व्यवस्था, उनकी ये स्वास्थ्य केयर, हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा उन्नत है, एक सबसे ज़्यादा उन्नतिशील देश माना जाता है वो हमारे पृथ्वी का, वहाँ पर ये एक जागृति आ रही है कि हमको ये लगातार जिस दिशा से हम जा रहे हैं, जिस दिशा में हम अभी तक जा रहे हैं, ना केवल इसका एक कॉस्ट का एक, यानी कि एक फाइनेंशियल एक एस्पेक्ट है, बल्कि एक इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, इस तरीके की इंडिस्क्रिमिनेट जो हम टेस्टिंग करते जाते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल बताने लग गए हैं कि आप, डॉक्टर्स भी कहने लग गए हैं कि आप एक्सरे भी मत कराइए अगर ज़रूरी नहीं है तो, उससे भी हानि है। तो जो हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकता था, आज मॉडर्न मेडिसिन कह रही है, उसको खुद स्वीकार कर रही है कि उसकी अब परीक्षण करने की, टेस्ट करने की सीमाएं आ चुकी हैं, और उनको
बिना सोचे समझे करने के बजाय हम चूजिंग वाइजली ये एक उसको करें, यानी हम विवेकपूर्ण उन टेस्ट को करें उन ताकि हमारा निदान सही हो सके। तो क्या टेलिनोसिस, जिसमें बहुत छोटी छोटी हम उपयोगी चीज़ें हमें आज अभी तक इस कोर्स में माध्यम में पता चली हैं, क्या हम उनको नहीं यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लगभग नगण्य जिनकी लागत है। और एक और बात है, देखिए कि हमारे इसकी जो महत्ता है हमारे इंडियन परिप्रेक्ष्य में तो और भी ज़्यादा है। ये एक हमारा आंकड़ा था 2017-18 का, इससे करीबी आंकड़ा मुझे नहीं मिल पाया जो ये कहता है कि हमारे देश में एवरेज जनरल बॉडी चेकअप जो है लगभग 10,000 रुपए का होता है। हो सकता है ये कॉस्ट अब गिर गई हो क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है और बहुत हेल्थ स्टार्टअप्स भी आ गए हैं, शायद ये घटकर 7,000 रह गया होगा। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ एनुअल ये जनरल बॉडी चेकअप का है, यानी ये जो हमारा प्राथमिक निदान है, इसके बाद इसमें कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट अगर होगा तो हमारी कॉस्ट कितने गुना बढ़ जाएगी, इस सब का अंदाज़ा हमें भी है और इसका हमको अनुभव भी बार बार होता रहता है कि हम लोग कई बार डॉक्टर के पास जाने से इसीलिए बच जाते हैं कि भाई वो तो हमको बहुत अनावश्यक टेस्ट बता देगा और उन पता नहीं टेस्ट से हमको क्या क्या देखने मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल का हमें सामना होगा। और इस बात का को भारत सरकार ने खुद अपने जो उनका एक डॉक्यूमेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे जो कि हर वर्ष प्रकाशित होता है और जो हमारे वार्षिक बजट का एनुअल बजट का जो आधार बनता है, उसमें वो खुद मान रहे हैं कि ये जो इसकी बड़ी वेरिएशन है, अगर किसी जहां जैसे बंगलौर अहमदाबाद दिल्ली हैदराबाद जैसे शहर में शायद इसकी कीमत कम हो क्योंकि वहां पर ये ऐसी सुविधा करने वाली जो एजेंसीज हैं वो ज़्यादा उपलब्ध हैं, लेकिन गांवों में पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हिल स्टेट्स में जहां पे इनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि इनकी जो उपलब्धता है वो एक समान नहीं है, एक समरस नहीं है। तो हमारे देश के अंदर ही अगर हम देखेंगे तो ये बात जो है बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है, चिंता वाली है कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट है हमारे यहाँ सिर्फ प्राइमरी बॉडी चेकअप की, ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की तो बात ही नहीं है। और ये इसका जो सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो हमने पढ़ा है कि हमने देखा भी है और जिस संस्थान से मैं जुड़ी रही हूँ उन्होंने उसका काम था कि वो गांवों में जाएं और गरीब लोगों से जुड़ें, महिलाओं से जुड़ें। बहुत समय मेरा जो है महिलाओं के साथ काम करने में निकला है जिसमें मैंने महिलाओं के सूक्ष्म ऋण पर बात की है, बहुत सारी महिलाओं जो ग्रामीण और गरीब महिलाओं से बातचीत करने का अवसर मुझे मिला है और मैंने देखा कि इसका हम मध्यम वर्गीय जो शहरी लोग हैं शायद इस खर्च को बर्दाश्त भी कर पाते हैं, दुख होता है लेकिन किसी तरह बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन उनके पास तो ये इसको झेलने की क्षमता भी नहीं है। इस एक स्टडी हमने मैं जब तैनात थी तो हमने एक स्टडी करवाई थी और हमने वहाँ ये देखा था कि गरीब आदमी का, गरीब महिला का लगभग जीवन भर की आधी पूंजी, मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, उसकी जीवन की आधी पूंजी अगर उसके जीवन में एक भी स्वास्थ्य का एपिसोड आता है तो उसकी आधी पूंजी समाप्त हो जाती है और कभी कभी शायद आधी से भी ज़्यादा उनकी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं और उनका कर्जा हो जाता है। अगर ये ग्रामीण और ख़ास तौर से ग्रामीण जो है अर्थव्यवस्था का अगर अध्ययन किया जाए तो जो गरीब लोग हैं उन पे और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, पुअर लोग हैं और तरीके के लोग हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनके मेजर जो उनके ज़िंदगी के खर्चे होते हैं वो स्वास्थ्य पर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य का जो सिनेरियो है वो इतना महंगा है जो हम और उसकी आउटरीच ही नहीं है। हालांकि और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा स्वास्थ्य का जो एक पूरा इकोसिस्टम है, मेडिकल सिस्टम का, मेडिकल डायग्नोसिस का वो जो इकोसिस्टम है वो गरीब को और गरीब बनाए दे रहा है, मार्जिनलाइज यानी जो हाशिए पे जो लोग हैं उनको और पीछे धकेल दे रहा है और इस तरीके से जो हमारे समाज में असमानता है वो बढ़ा देता है, बढ़ा देने की क्षमता रखता है।
और हम यहाँ देखते हैं कि हमने जो टेलीनोसिस की बात की है वो तो बहुत सरल चीज़ें हैं तरीके से, हम कम से कम उनका अगर उनको हम उपाय नहीं बता सकते, हम उनका इलाज नहीं कर सकते, तो हम निदान तो अच्छी तरह कर सकते हैं और निदान सस्ता कर सकते हैं, तात्कालिक कर सकते हैं, उनको कोई बहुत महंगे उसकी ज़रूरत नहीं है, महंगे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बात है कि इसमें से 10% जो उनका खर्चा है जो वो सिर्फ डायग्नोस्टिक्स पे चला जाता है, यानी निदान पे, यानी पूरा जो हेल्थ का खर्चा है उसमें से भी 10-12% जो खर्चा है ये उनके सिर्फ निदान पे चला जाता है, और वो निदान सही होगा कि नहीं इसके बारे में तो अभी भी प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए हम लोगों के मन में, हम भी जो आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम शहरी लोग हैं, लेकिन हमारे मन में भी शंका रहती है कि भाई एक डॉक्टर को बताया तो चलो दूसरे को भी पूछ लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ठीक है कि नहीं। तो इस क्या क्या आवश्यकता नहीं है कि हम इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दें, इस पूरी व्यवस्था में कोई एक छोटा सा हम अपना सहयोग करें कि हम टेलीनोसिस के माध्यम से, हम लक्षणों के माध्यम से, हम अपने स्वर के माध्यम से, हम नाड़ी के माध्यम से कम उनको कुछ निदान कर सकें, कुछ उनको बातचीत कर सकें। हालांकि मैं ये बात कहूंगी, मैं स्वीकारूंगी कि आज के तारीख में भारत सरकार द्वारा बहुत सारे इस बारे में आयोजन हुए हैं, जन औषधि केंद्र हो गए हैं, आयुष्मान योजना चल चुकी है, लेकिन अगर आप उनके आंकड़े देखें तो वो बहुत निराश करने वाले हैं। आयुष्मान योजना में मैं लिखा नहीं है, लेकिन आयुष्मान योजना में हम देखते हैं कि अभी भी 10-15% लोग ही हैं जो कि गरीब लोगों में जिनकी आउटरीच है, और उनको उसका क्लेम कितना मिल पाता है, उनको उसका फ़ायदा कितना मिल पाता है, और उसकी क्या आउट क्वालिटी है, यानी किस तरीके का उनको उसमें सहयोग मिल पाता है, ये अभी भी चिंता का विषय है। तो क्या हम इसमें टेलीनोसिस का सहयोग नहीं ले सकते हैं? और उससे भी दुखद बात कि ये सब जो होने के बाद जब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की जो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है जिनको देख के हमें भी डर लगता है, इतना बड़ा मेडिकल पूरा साइंस तरक्की कर चुका है, लेकिन ये सर्वमान्य तथ्य है कि जो ग्लोबली मिसडायग्नोसिस यानी गलत निदान करीब करीब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को $1 बिलियन की लॉस पहुंचाता है सिर्फ मिसडायग्नोसिस से, गलत डायग्नोसिस से, और लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग प्रतिवर्ष लगभग ऐसा उनको लगता है कि उनको जीवन में या तो बहुत उनका कष्ट बढ़ जाएगा, उनको सही इलाज प्राप्त नहीं होगा, और या फिर उनको शायद हो सकता है अपनी जान से ही हाथ धोना पड़े। और इसकी वजह से जो समय और जो प्रोडक्टिविटी का जो की हानि होती है, जो हम अर्थव्यवस्था में हम जो सहयोग कर सकते थे ऐसे पेशेंट जिनको गलत इलाज मिला है, जिनको प्रथम चरण यानी उनका निदान ही गलत हुआ है, वो ऐसे लोगों की संख्या हर साल 60 लाख होती है। तो हम सोच सकते हैं कि पूरे विश्व कल्याण में ये अगर हम टेलीग्नोसिस का थोड़ा सा भी उपयोग कर पाएं, इस 60 लाख लोगों में से अगर हम 6 लाख लोगों को भी बचा पाएं, उनकी हम अगर उनकी हम प्रोडक्टिविटी और हम उनके टाइम को उनके लॉस को अगर हम बचा पाएं, तो $1 बिलियन में से कम कुछ नहीं तो $10 मिलियन तो हम बचा ही पाएंगे, $100 मिलियन तो हम पूरे विश्व में बचा पाएंगे। इसलिए ये हमारे लिए इसकी मैं आंकड़ों से ये कहना चाहती हूँ कि आज जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस की भी अपनी सीमाएं हैं और उनके भी अपने कभी कभी गलत कुछ उनसे गलतियां हो जाती हैं जिसको हमें स्वीकारना चाहिए। टेलीनोसिस में अगर हमको जैसा हमने कहा कि शायद 100% सफलता ना मिले, लेकिन हमको 50%, 60%, 70% और बहुधा तो हमको 90-95% भी हमको इसमें सफलता मिल जाती है, तो और जिसमें कि कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है, तो क्या हम इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकते कि हम इसका भी इनके इन सब चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें, इनका उपयोग करें और इनको एक समेकित रूप से देखें? देखिए हम एक बहुत बड़ी साइंस है फोरकास्टिंग साइंस, हमारे आज हम जगत में देखते हैं कि हर चीज़ का फोरकास्ट आता रहता है, हर चीज़ की एक
निदान आता रहता है, और लेकिन ये फोरकास्टिंग होते हैं, पूर्वानुमान लगाया जाता रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव भी पड़ता है। हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके खुद के शब्द हैं कि हमारा जो वेदर फोरकास्ट है, जो हमारा मौसम का पूर्वानुमान है, उसकी एक्यूरेसी सिर्फ 50-60% है, सिर्फ आधा ही वो सच बता पाते हैं। और अगर उसको 5% अगर करीब में देखें, 5 दिन तक देखें, तो उसकी एक्यूरेसी शायद 70-80% है। अगर 7-8 दिन में देखें तो थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा और घट जाती है, और अगर 10 दिन से ज़्यादा का हम पूर्वानुमान लगाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी, उसकी सही होने की संभावना सिर्फ 50% है। ये साइंस जर्नल कहते हैं, ये बातें बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, ये सब बातें सर्वमान्य रूप से मानी गई हैं। तो जब हमारे इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हमारे सैटेलाइट के माध्यम से हम उनको सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से हम वेदर का फोरकास्ट करते हैं, तो हम 50% की एक्यूरेसी पाते हैं। तो हमारे घाघ और भडली के अगर जो उनके जो पूर्वानुमान हैं, जो उनके लक्षण हैं, वो हमें कहते हैं, और उनकी हमको 50% एक्यूरेसी उनकी भी मिल जाए, तो क्या ये 100% नहीं हो जाएगा? और हमारा इसमें क्यों नहीं हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं, हम इसको क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम क्यों नहीं हम देखना चाहते हैं कि इनकी भी उपयोगिता है? और उनकी जो उपयोगिता है, ये वेदर साइंस तो आज 50 साल 60 साल 70 साल से पुरानी नहीं है, और घाघ भडली की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हजारों साल पुरानी है। उनके भी उन्होंने भी नेचर को, प्रकृति को, उसके पैटर्न्स को समझा है, देखा है, उसको लिखा है। तो उसको हम, उसको भी अगर हम अपने इन चीज़ों के साथ शामिल कर लें, तो निश्चित रूप से जो हमारी पूर्वानुमान की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। हमारे एक और मैं आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें इन्होंने ये बात स्वीकारी है, ये भारत सरकार के मैंने जो डेटा है, रिजर्व बैंक के जो डेटा है, ये मैंने वहाँ से मैं आपको कोट कर रही हूँ, कि हमारे जो बजट के फोरकास्ट होते हैं, जिसके ऊपर हमारी एक पूरी मिनिस्ट्री लगी रहती है, और एक और मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जो कि एंड इंफॉर्मेशन, जो कि सिर्फ सारे वर्ष एक पूरी मंत्रालय सिर्फ सारे वर्ष आंकड़े इकट्ठे करने का काम करता है और पूर्वानुमान लगाने का काम करता है। और वहाँ पे हम देखें तो हम कहते हैं कि बजटरी फोरकास्ट जो हम करते हैं, हमारे बजट के जो पूर्वानुमान होते हैं, उनमें आमतौर पर, सामान्य तौर पर 13-14% हमारे डेविएशन होती है कलेक्शन में, यानी हमारा उतने प्रतिशत से पूर्वानुमान सही नहीं होता है। और अगर व्यय की बात करें तो करीब करीब 20-30% तक हमारा जो व्यय का अनुमान होता है वो सही नहीं होता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो बजटरी फोरकास्ट है, कि इतनी सारा जिसके ऊपर पूरा महकमा लगा रहता है और पूरा देश व्यापी इसके इसमें एक मुहिम चलती रहती है लगभग पूरे वर्ष इन आंकड़ों के इकट्ठे करने की, और उसके बावजूद हमारे पूर्वानुमान गलत हो जाते हैं। और ये बात, ये एक वर्किंग पेपर था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जिसमें उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि हमारे इसी वजह से, चूंकि हमारे अपने जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं और जो हमारे एक्सपेंडिचर खर्चे हैं, ये इसकी जब हम पूर्वानुमान लगाते हैं इसमें कमियां होती हैं, जिससे आज हमारी बजटरी जो फोरकास्टिंग है, जो हमारे बजट के पूर्वानुमान है, उन पर अक्सर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि क्या हम जो हमारे पूर्वानुमान की जो इस क्षमता को, जो हम इतने इतने खर्च करके, इतनी मैन पावर लगा के अगर हम उसको यहाँ तक ला पाते हैं, तो क्या हम टेलीनोसिस के माध्यम से जो हमारे हमारे पूर्वज कह गए हैं, क्या हम उनका इस्तेमाल करके इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा नहीं सकते हैं? निश्चित बढ़ा सकते हैं। देखिए, अब एक जीडीपी की बात तो बहुत चर्चा होती है कि जीडीपी हमारे भारत का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कितना 7% रहेगा कि 8% रहेगा, फिर हर साल। और हम देखते हैं अखबारों में अक्सर देखा करते हैं कि ये बजट के एस्टिमेट्स कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं।
और जीडीपी एस्टिमेट्स के लिए बहुत एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स लगाई जाती है, इकोनोमेट्रिक्स लगाई जाती है इनको जीडीपी एस्टिमेट्स को प्राप्त करने के लिए। और मैं आप लोगों से अगर कहूं तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि आज ही अगर आप इसी वक्त अभी सर्च करेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग ये जीडीपी एस्टिमेट्स आएंगे, इनमें कोई समरूपता नहीं मिलती है हमको। और ये इन जीडीपी एस्टिमेट्स को हम जब बात करते हैं, जो हमारे जीडीपी जो यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी हमारे देश की सकल आय कितनी है, सकल आय उस ये रफली इसका इसकी डेफिनेशन है, तो इस सकल आय का अनुमान लगाने के लिए बहुत साइंटिफिक तरीके से बहुत बहुत स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत विशद आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और तब हम इनका अनुमान लगाते हैं। लेकिन जो पहला अनुमान लगाया जाता है और जो आखिरी अनुमान लगाया जाता है उसमें लगभग 1.5% का अंतर आता है ऑन एन एवरेज। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पब्लिश डेटा कह रहा है। कई और अगर आप देखेंगे भी पिछले कुछ वर्षों के हम अनुमान देखें तो आपको लगेगा कि जो हम जो रिजर्व बैंक कहता है जिसके आधार पर वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी तैयार करता है वो जब लेकिन जब उसका फाइनल एनालिसिस होके आता है तो उसमें आमतौर पर अंतर पाया जाता है। और ये 1.5% है, 1.5% सब्सटेंशियल है क्योंकि ये 1.5% है उस 7% का या उस 6.5% का जिसको कि हमने प्रोजेक्ट किया है। तो ये लगभग जो वेरिएशन है अगर हम देखें तो ये 15-20% है। ये बहुत अगर हम जो लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़े हैं या इकोनॉमिक्स के या फाइनेंस के स्टूडेंट्स रहे हैं वो ये बात जानेंगे कि ये 15-20% जो अगर वेरिएशन किसी चीज़ में आता तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। इसको इसको हम इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ कि ये जो इतने हमारे पास महकमे हैं, इतनी मंत्रालय हैं, इतने समाज के हर हर राज्य के लोग हैं और हमारे इस सर्वे के हैं और सर्वे के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी हैं जैसे NSSO वगैरह, वो सब भी लगी रहती हैं और उसके बावजूद हमारे पूर्वानुमान में गड़बड़ा जाती है तो लेकिन हम इसको नकार तो नहीं देते। जीडीपी एस्टिमेट 3 बार जारी होते हैं, 1 बार जनवरी में जो कि पिछले वर्ष के लिए होते हैं, फिर उससे अगली जनवरी में, फिर उससे अगली जनवरी में, यानी 3 साल तक हम इस अपने देश की आय को हम उसका अनुमान लगाते रहते हैं जो कि हो चुकी हुई है और उसमें भी हमसे गड़बड़ी होने की आशंका रहती है, गड़बड़ी होने का हमारा अनुभव है। तो लेकिन हम इस प्रक्रिया को नकार तो नहीं देते, हम उसमें और सुधार करते हैं, हम उसमें अपनी और ऑब्जर्वेशन लाते हैं, हम उसमें अपनी और तकनीक इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस में और रिफाइनमेंट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारे फोरकास्टिंग जो एस्टिमेट्स हैं ये जितने सत्य के करीब हों, जितने अच्छे हों, जितने एक्यूरेट हों वही रहे। इसी तरह टेलीनॉसिस का भी है, अगर हमारी फोरकास्टिंग में कभी गड़बड़ी होने की संभावना रहती है जो कि आशंका व्यक्त की जाती है बार बार, तो क्या हम उसको अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने एक डेडिकेशन से उसको सुधार नहीं सकते, बजाय कि हम इस पूरी विधा पर, पूरी इस ज्ञान पर, इस पूरी सिस्टम पर या इंडियन नॉलेज सिस्टम पर हम प्रश्न चिन्ह लगाएं। निश्चित ही हमारा इसके ऊपर एक बात होगा कि हम इसको एक और बात करें, जैसा मैंने कहा कि एग्रीकल्चर लॉसेस जो है हमारे अगर हम देखें तो भयंकर होते हैं, भयंकर होते हैं क्योंकि हमारे पास सही अनुमान नहीं होते हैं कि हमारा इस बार वर्षा कैसे होने वाली है, कहाँ सूखा पड़ने वाला है और कहाँ बारिश आने वाली है और कहाँ अतिवृष्टि होने वाली है, कहीं कहाँ बाढ़ आने वाली है। अब जैसा हमने उस दिन लक्षण शास्त्र में हमको रावल जी ने बताया था कि भाई होली से पहले की शाम को अगर हम हवा का पूर्वानुमान लगाएं और अगर इत्तेफाक से बारिश भी आ जाए तो हम उसका पूर्वानुमान अगर हम लगा लें तो हम अपने किसानों को चेतावनी दे सकते हैं कि भाई इस वक्त इस वर्ष शायद ऐसी हो संभावना है कि हम ये बारिश अच्छी ना हो तो आप वो क्रॉप्स लगाइए जो कि कम बारिश में भी हो सके, कम आर्द्रता में, लो ह्यूमिडिटी में भी हो सके। तो जो हमारे ये 35 मिलियन हेक्टेयर हर हम 5-6 सालों में हमने खो दिया, 35 मिलियन हेक्टेयर का मतलब अगर आप देखें इसको परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो हमारी आय है, ये जो हमारे पूरे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया करीब 1.5 मिलियन होता है, उसमें से 1.5 बिलियन होता है, तो उसमें से उसका लगभग ये 30% हिस्सा हम खो देते हैं। 30% अगर हम अपना कृषि का सिर्फ सूखे की वजह से खो देते हैं
और तो ये अगर इसको अगर हमारे पास पूर्वानुमान 50% भी सही हो तो इसको 35 को हम घटा के 15 तो कर सकते हैं, 20 तो कर सकते हैं, तो क्या हम इस हमारे अपने देश का, हमारे किसानों का और अंततः हमारा अपना हम लाभ नहीं कर सकते? हमारे देखिए कि बाढ़ की वजह से हमारे जो मैनेजमेंट है उसकी वजह से हम सिर्फ अकेले 2021 में, और ये एवरेज है, हमने 7.6 बिलियन डॉलर्स हमने खोए हैं सिर्फ क्योंकि हम बाढ़ का, अतिवृष्टि का हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो जो हमारे पूर्वज जो हमको कह गए हैं कि इनको भी इस्तेमाल करें, उनको अगर हम इनके साथ करें, इसका प्रयोग करें, इसकी हम जानकारी लें, तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? एक बार सन 2000 में एक पॉलिसी आई थी, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में आई थी, आज तक एक ही एक बार पॉलिसी आई है, जिसमें कि इस बात का जिक्र हुआ था कि हमारी जो नेटिव एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं, एक जो प्रिडिक्शन की जो हमारी जो हमारी टेक्निक्स हैं जो कि हमारे शास्त्रीय शास्त्रों में लिखी गई है, क्या हम उनका भी अपने मॉडर्न साइंसेस के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या हम उनको अपने इन लॉसेस में को घटाने के लिए, अपनी एग्रीकल्चर को और समृद्ध बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? और अगर एग्रीकल्चर में हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे देश की सकल आय है, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है, वो बहुत बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे आपको एक आंकड़ा और देना चाहूँगी कि हमारे बिल्कुल जो अभी हमारी जो नेशनल एवरेज है, हमारी राष्ट्रीय जो एवरेज है, वो प्रति व्यक्ति आय अभी भी बहुत कम है, सिर्फ 1,97,000 है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, लेकिन बढ़कर भी प्रति व्यक्ति आय अगर हम उसको देखें 1,97,000 है। अगर उसको हम देखें तो वो महीने के 17-18 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती है। उस 17-18 हज़ार में हम अगर इसको एक और, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि एक चीज़ होती है जिनी कोएफिशिएंट, यानी जो कि जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ये देखने के लिए कि हमारे हमारे देश में जो आय है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका संवितरण जो है वो किस तरीके से हुआ, कितना इक्वल है या कितना अनइक्वल है, कितना बराबर ये समानता है आय की हमारे देश में या नहीं। हमारे देश का जो ये आंकड़ा है ये करीब 0.32 से 0.35 है, यानी कि हमारे देश में अभी भी बहुत असमानता है, अभी भी आय की असमानता है। तो बहुत सारे इसका मतलब है ऐसे लोग हैं, 30% लोग ऐसे हैं जिनकी आय इस 1,97,000 प्रति वर्ष से कम है, इससे भी कम है। तो उन व्यक्तियों के लिए हम क्या ये टेलीनोसिस के माध्यम से कुछ मदद नहीं कर सकते? क्या हम उनको किसी भी उनकी जो सुविधा है कोई, उससे क्या हम उनको छोटे मोटे उनके उनको रहा मार्गदर्शन उनका नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम इसको और समृद्ध बनाते हैं? हम क्यों नहीं इस विषय, इस विधा में, इस ज्ञान में हम शोध और कर सकते, जिसके लिए बहुत, जिसके लिए हमारे पास ज्ञान उपलब्ध है, सिर्फ आवश्यकता है कि हम इसको अभी इस्तेमाल करें, हम उसको अपने इसमें अपने ऑब्जर्वेशन और डालें, और ताकि हम उसको हमारा जो आंकड़े का जो बैंक है, आंकड़े का जो संसार है, वो और समृद्ध हो सके और इनकी वैधता प्रमाणित की जा सके। अब देखिए, जैसे हमने बहुत बार बात की कि टेलीनोसिस में, जैसे रावल जी ने बहुत बार कहा कि लोगों की अक्सर समस्या होती है कि चोरी हो गई हमारे, या हमारे घर में डाका पड़ गया, या हमारे घर में मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई। तो क्राइम डिटेक्शन में टेलीनोसिस का बहुत ही बड़ा उपयोग है, और हम देखते हैं कि क्राइम डिटेक्शन में अगर हम अभी तक की जो चल रही व्यवस्था है उसको हम देखें तो हमारे क्राइम डिटेक्शन की 3 कॉस्ट जो है कि जो बहुत मानी जाती है। एक है पॉलिसिंग कॉस्ट जो कि हम जानते ही हैं, लीगल एंड प्रोसिक्यूशन कॉस्ट जो कि सरकार के ऊपर भी खर्चा होता है। लीगल एंड प्रोसिक्यूशन कॉस्ट सिर्फ हमारा नहीं होता, ये जो वैधिक जो लागतें हैं ये सिर्फ हमारे पर नहीं लागू होती, लेकिन ये इसका बोझ सरकार पे और कहीं ना कहीं हम करदाताओं पर पड़ता है। और जैसा हम जानते हैं जो जेल में जो मेंटेन किए जाते हैं, जो प्रिजन कॉस्ट हैं, ये सब इनका बोझ हम सब करदाताओं पर पड़ता है। तो परोक्ष रूप से इन सब कॉस्ट में हम शामिल हैं, इन सब कॉस्ट में हमारी जेब से पैसा जा रहा है। अगर इनको हम एक व्यापक रूप से इनके लिए कुछ कर सकें तो ना केवल हम समाज का भला करेंगे, परोक्ष रूप से करदाताओं के ऊपर, हमारी जेब पर भी कहीं ना कहीं इसका असर
पढ़ सकेगा। और जैसा हम शुरू में हमने बात की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, यानी कि जो भी इस जिस जो भी संसाधन इसमें लगते हैं, चाहे वो चोर के लगें, डचो या किसी विक्टिम के लगें, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, वो उसका समय, उसका उसका शक्ति, उसका उसका मनस्थिति, वो सब और उसकी उपयोगिता का भी ह्रास होता है इन सब चीज़ों से। तो क्या अगर हम क्राइम डिटेक्शन के कुछ लक्षण पहले से प्राप्त कर सकें, जिसकी चर्चा बहुत बार पहले हुई है, तो हम कुछ क्राइम को कुछ होने से उनको या तो रोक सकते हैं या उनको त्वरित गति से हम पकड़ सकते हैं। जो कि हम देखते हैं, कई बार हमने अखबारों में भी पढ़ा है, हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो क्राइम करते हैं, जो बड़े बड़े अपराधों में लिप्त होते हैं, आमतौर पर वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, यानी कि उन्होंने पहले भी कहीं ना कहीं ऐसी घटना की होती है। तो उनके अगर हम लक्षणों को पहचान लें, तो क्या हम अपने इस माध्यम से, टेलीनोसिस के माध्यम से उसको हम रोक नहीं सकते हैं? जैसे कि ग्राफोलॉजी की चर्चा हुई, जिसमें किस आदमी की, किस व्यक्ति की कैसी मानसिकता है, उसकी अगर हम हैंडराइटिंग से पकड़ लें, तो हम उसकी सही समय पे काउंसलिंग कर सकते हैं, हम उसकी सही समय पे थेरेपी कर सकते हैं, हम उस सही समय पर उसका कोई और रोकने का उपाय कारगर कर सकते हैं। और उस व्यक्ति को जो कि एक अपराधी मानसिकता का था, उसको हम मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। डाकू अंगुलीमाल की कहानी हम सब ने सुनी है, तो बाबा भारती की कहानी हम सब ने सुनी है। तो हर अपराधी में ये संभावना होती है, संभाव्यता होती है कि उसका रिफॉर्म किया जा सके, उसको सही मार्ग पर लाया जा सके, बशर्ते कि हम समय रहते उसको पहचान ले और हम उसको सही मार्ग पर ला सकें। इसके लिए मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर इस क्राइम डिटेक्शन का जो आंकड़ा है वो कितना भयावह है, हम देखेंगे कि स्वास्थ्य और क्राइम लगभग बराबर चल रहे हैं। 12-13% जो हमारे ग्लोबल जीडीपी है, ग्लोबल जो समझिए आय है, प्रोडक्टिविटी है वैसे, तो वो जो है वो लगभग 12-14% हम उस पर खर्च कर दे रहे हैं, जो कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि करीब करीब 15 ट्रिलियन $ से, अगर इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये शायद हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर, यानी भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर का खर्चा पूरे विश्व में सिर्फ क्राइम की वजह से नेगेटिव हो जाता है। यानी कि हमारी जो समृद्धि हमारे विश्व में आ सकती थी, वो सिर्फ इन वजह से चली जाती है। इस साल भी हम देखेंगे, ये 2000 बहुत ही पुराना डाटा है ये, जो कि उस टाइम 194 लगभग $200 बिलियन डॉलर्स सिर्फ सार्वजनिक पुलिसिंग पर हम खर्च कर देते हैं, सार्वजनिक पुलिसिंग पर हम खर्च कर देते थे 2000 में। अगर आज हम देखेंगे तो ये डाटा शायद हमारे लिए, हमारे कंप्यूटर्स इसको गणना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए डाटा पब्लिश भी नहीं होता है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब डाटा $ में इसीलिए है क्योंकि भारत में ये डाटा पब्लिश नहीं किया जाता है, ये ऐसी हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। और इसका कारण क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन एक डाटा है जो हमारे यहाँ फिर भी आता है, जो कि बजट में आता है, कि हमारे पास कानून व्यवस्था को बढ़ाए रखने के लिए हमने क्या प्रावधान किए हैं। और इस बार हम देखेंगे इस वर्ष के बजट में भी लगभग 2,00,000 करोड़ हमने सिर्फ पुलिस की आधुनिकीकरण के लिए दिए हैं। मैं बिल्कुल इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, इसकी आवश्यकता है, लेकिन इस कॉस्ट में अगर हम टेलीनोसिस जैसी सुविधाओं को के ज्ञान को समेकित कर सकें, उसको जोड़ सकें, तो हम इस निश्चित इस कॉस्ट को इस और हमारे भारत जैसे प्रगतिशील देश को हम और समृद्ध बना सकते हैं। अगर कुछ रिसोर्सेज जो हमारे इन सब चीज़ों पे चले जाते हैं, जिनसे समाज को फ़ायदा नहीं होता, विश्व को फ़ायदा नहीं होता, मानवता को कोई लाभ नहीं होता, तो क्या हम इन सबको इसको मानवता के कल्याण में नहीं रख सकते? अगर हमारे पास 1,00,000 करोड़ भी इसमें से बच जाए, तो हम यानी कि आधा पैसा भी हमारा बच जाए, तो हम अपनी सड़कें अच्छी बना सकते हैं, हम अपनी हेल्थ मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी स्कूल अच्छे बना सकते हैं, हम अपनी बहुत जन कल्याण के बहुत सारी कार्यक्रम हम कर सकते हैं। इसीलिए ये जो एक प्रश्न उठता है बार बार की फोरकास्टिंग, यानी पूर्वानुमान लगाने का जो विज्ञान है,
क्या वो विज्ञान है या एक मिथ है। इसके बारे में बड़ी चर्चा होती है आजकल और खासतौर से फाइनेंशियल जगत में इसकी बहुत चर्चा होती है। एक ये जो आप चित्र देख रहे होंगे ये काले हंस का है। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को ये अवसर प्राप्त हुआ हो कि किसी ने काला हंस देखा। स्लाइड आगे कीजिए मैडम, स्लाइड आगे बढ़ाइए। अब आइए और आगे, एक सेकेंड, अब ठीक है? नहीं वो चित्र नहीं आया, आप शायद बहुत आगे की स्लाइड दिखा रही हैं। अभी वो ब्लैक को स्वान जो है वो शायद पीछे जाना होगा। और हाँ अब आया। हाँ देखिए इस पर हमने एक चित्र देखा है, ये ब्लैक स्वान का, काला बत्तख। मुझे नहीं लगता हम में से किसी को इसको देखने का अवसर प्राप्त होगा। ये बहुत दुर्लभ प्राणी है, बहुत दुर्लभ है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ छोटे से भाग में पाया जाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के। तो एक एक बहुत बड़े फिलोसोफर अब उनकी गणना होने लगी हैं, और लेकिन फाइनेंशियल जगत से उनका बहुत नाता रहा है। उनका नाम है नसीम निकलस तालब, जो कि लेबनान मूल के हैं और फिलहाल अब अमेरिका में रहते हैं, जिन्होंने अपना करियर स्टॉक ब्रोकिंग से, ऑप्शन ट्रेडर्स से और डेरिवेटिव ट्रेडिंग से शुरू किया था। और आज वो धीरे धीरे मैथमेटिशियन और फिलोसोफर और एक सेल्फ हेल्प गुरु के मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत की बात की थी, उन्होंने कहा था द ब्लैक स्वान। द ब्लैक स्वान मतलब ये वो इवेंट्स हैं जो कि कभी भी जिनका पूर्वानुमान लगाया ही नहीं जा पाया है। ये वो इवेंट्स हैं जो बहुत रेयर हैं, बिल्कुल कभी घटे नहीं हैं। इस और बहुत इनको उन्होंने संज्ञा दी है कि ये आउटलियर इवेंट्स हैं, यानी कि पिछले जो चलता आ रहा क्रम है उनसे ये इवेंट्स बिल्कुल अलग हैं, उस कड़ी में नहीं है। तो फोरकास्टिंग यहाँ पर फेल हो जाती है, क्योंकि फोरकास्टिंग ट्रेंड एनालिसिस में ज़्यादा विश्वास रखती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे अपने जीवन से ही मिलेंगे। देखिए 9/11 का किसी को अंदाज़ा नहीं था, इतनी इंटेलिजेंस FBI से लेकर और कौन कौन सी इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन 9/11 कब हुआ, उस घटना ने पूरा विश्व बदल दिया, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था। 2008 में US में भयंकर मंदी आई थी, जब वहाँ पर हाउसिंग स्कैम हुआ था, हाउसिंग फाइनेंस स्कैम हुआ था, और बड़े बड़े जो वहाँ पर बैंकर्स जो हैं वहाँ और बड़े बड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो थी वो बैठ गई थी, और पूरी जो उनकी व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। आप लोगों को याद होगा लीमैन ब्रदर्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ब्रदर्स माने गए थे, वो 2001 में बैठ गए थे। और अभी देखें, अगर हम अभी की बात करें तो बहुत हम सबकी मेमोरी में ये बिल्कुल ताज़ा ये बात है कि कोविड का अनुमान किसी को नहीं था, अचानक से ये आया और पूरा विश्व को इसने पूरे अपने पंजों में जकड़ लिया। इसको हम कभी देख ही नहीं सके, कोई विज्ञान, कोई तकनीक, साइंस, स्टेटिस्टिक्स, किसी ने बताया नहीं था। मेडिसिन साइंस ने कभी नहीं बताया था कि ऐसा कोई कोविड आएगा जिस जो लगभग वो होगा हमारे पूरे विश्व को एकदम ठप कर देगा, बिल्कुल पूरी दुनिया एक तरह से ठहर गई थी। और उसी तरीके से उस वक्त जब हम के उस वक्त की हम अगर अखबार देखें, उस वक्त की हम घटनाएं देखें, तो लगभग ये कहा जा रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा और लगभग विश्व की आधी आबादी तो खत्म हो जाएगी, एक तिहाई खत्म हो जाएगी। और जो बहुत प्रतिष्ठित वायरोलॉजिस्ट हैं जो कि इस वायरस साइंसेज में काम करते हैं, उनका ये कहना था कि ये लगभग हमारे लिए ये वायरस अजेब सिद्ध होगा, कि ये इस क्योंकि वायरस की इम्यूनिटी में और उसके लिए जो एंटीडोट है उसको तैयार करने में 7-8 साल का समय लगता है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित वायरोलॉजिस्ट के बयान है उस वक्त के, लेकिन हमने देखा कि ये तो कुछ 7-8 महीने में ही हमने एंटीडोट तैयार कर ली, और लगभग आज हम स्थिति में है कि हम कह सकते हैं कि ये नियंत्रण में, अगर हमने इसको पूरी तरह से काबू नहीं कर लिया तो हमने इसको कम से कम हमने इसको नियंत्रण तो कर लिया, इतना तो कर लिया है कि कम से कम हमारी दुनिया फिर से चलनी पड़ी है। तो ये सब क्या कहते हैं कि यानी कि पूर्वानुमान लगाने की जो साइंस है ये क्या कहती है, ये कहाँ ले जाती है हमको, क्या बता सकती है?
आप लोगों को जो मेरे से थोड़े सीनियर लोग हैं शायद हम लोगों को याद होगा, हम लोग बहुत हमने अपना करियर ज्वाइन किया ही किया था, तो 1987 में एक ब्लैक मंडे आया था शेयर मार्केट में, 19 अक्टूबर 1987 को, और उस दिन अमेरिकन जो शेयर मार्केट थे बुरी तरह बैठ गए थे, अचानक बिना किसी कारण के, कोई 9/11 नहीं हुआ था, वो बैठ गए थे, और वो मंदी जो था का दौर महीनों स्टॉक ट्रेडर्स पे चला था, और उसका असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, पूरे स्टॉक्स एक्सचेंजेस पर पड़ा था। किसी ने पूर्वानुमान नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया था कि इस तरीके की मंदी आने वाली है, हालांकि उसके बारे में कुछ कुछ बाद में सुगबुगाहट होती रही। इसी तरीके से देखिए अभी हम देख रहे हैं आजकल अखबारों में बड़ी चर्चा हो रही है विश्व के, अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक जो है बिल्कुल बैठ गया है, सिलिकॉन वैली बैंक जो कि स्टार्टअप्स को फाइनेंस करता था, वो अचानक से एक दिन में ही बैठ गया। और बड़ी हैरानी की बात है कि उनके सीईओ को उस जब वो बैठा है पिछले शुक्रवार को, उसे ठीक एक हफ्ते पहले सम्मानित किया गया था कि वो बेस्ट सीईओ ऑफ है किसी बैंक की, बेस्ट सीईओ ऑफ अ बैंक, सम्मानित करने के एक हफ्ते बाद ही वो पता चला बैंक ही बैठ गया। और हम कल परसों ही देख रहे थे कि स्विट्जरलैंड का जो एक बहुत मशहूर बैंक है और जिसकी बहुत 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 प्रतिष्ठा थी, उस वो लगभग बैठने के कगार पर आ गया, क्रेडिट स्विस। तो ये जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप लोगों को मालूम होगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं मार्केट रिसर्च पर खर्च होते हैं, इनका एनालिसिस होता है, दिन रात लोग कंप्यूटर्स पर बैठे रहते हैं कि आज ये हुआ तो कल वो हुआ, इसकी बाकायदा साइंस है, और या कि एक इसकी एक फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत बहुत विशद, बहुत ही बिल्कुल अंतहीन साहित्य उपलब्ध है। मैंने भी उनकी स्टडी की है, मैं MBA की स्टूडेंट रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हमने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है और उन्होंने हमें तरह तरह के एनालिसिस बताए थे, लेकिन वो सब एनालिसिस कभी कभी हमारे काम नहीं आ पाते, क्योंकि जब ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि अभी तक जो जिनके बारे में कोई परिकल्पना ही नहीं की थी, और कोई पूर्वानुमान की साइंस उनकी परिकल्पना कर ही नहीं पाती है, उनका अंदाजा लगा ही नहीं पाती है ऐसे, और हमारा जो जीव, लेकिन इन ब्लैक स्वान इवेंट्स की जो विशेषता ये है कि ये हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, बहुत लास्टिंग इनकी इम्पैक्ट होती है, ये बहुत हमारे यानी कि जीवन को बदल देते हैं। 9/11 जिसकी कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, उसने विश्व को बदल दिया, हमारे पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण को बदल दिया, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण को बदल दिया, उस अमेरिका को जिसको मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स कहा जाता था, आज वो राइट विंगिंग होने लगा, वाइट सुप्रीमेसिस्ट की बात होने लगी है। तो ये जो ब्लैक स्वान इवेंट्स हैं, ये इनकी ऐसी ये बता देते हैं, ये प्रूव कर देते हैं कि पूर्वानुमान कई बार हमारे पास लगाने सही होते हैं कि नहीं होते हैं। हम कोई भी साइंस, कोई भी ज्ञान, कोई भी एनालिसिस, कोई भी कंप्यूटर इन इवेंट्स का पता नहीं लगाता, लेकिन मज़ेदार बात यह कि ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे जीवन को बहुत गहरे प्रभावित करते हैं। तो इस बारे में आजकल ये भी चर्चा होने लगी है कि क्या हमारे विश्व, हमारे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या रेंडमनेस है कि अचानक से कुछ भी हो जाता है, और इसको वैसे रैंडमनेस को हिंदी में यादृच्छिक कहते हैं, लेकिन हम इसको सरल शब्दों में समझें तो क्या क्या ये ऐसी हमारी हमारी जो ब्रह्मांड है, क्या उसमें ऐसे ही हैपहजर्डली कुछ भी होता रहता है जिसका कोई पैटर्न नहीं, और इसलिए हमारी फोरकास्टिंग साइंस फेल हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी टॉपिक पर निकोलस तालिब ने एक और किताब लिखी है, फूल्ड बाय रैंडमनेस। हम रैंडमनेस से हम चमत्कृत हो जाते हैं, हम उनसे ऐसे अभिभूत हो जाते हैं कि जो पैटर्न है हम चल नहीं पाता है, और उस रैंडमनेस को, इन ब्लैक स्वैन इवेंट्स को हम इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि हमारे ज्ञान की सीमाएं, हमें उस ज्ञान, अपने ज्ञान की सीमाओं को देखना होगा। हम बार बार डेलिनोसिस में ये बात कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी होता है, जो लक्षण शास्त्र है, वो पूरा इसी बात पर आधारित है कि जो कोई लक्षण होता है उसका कोई आधार होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है। कबीरदास जी ने बहुत मशहूर एक बात कही है कि चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है,
तो क्या चीटी और अनायास कुछ नहीं हो रहा, ज्ञान की सीमाएं आ जा रही हैं। आप लोगों को याद भी होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत मशहूर वो हुए हैं साइंटिस्ट, उनके बारे में मैं क्या परिचय दे सकती हूँ। उन्होंने कहा है ये बात, बड़ी फेमसली ये बात कही है कि गॉड डजंट प्ले डाइस, गॉड डजंट प्ले डाइस, वो हमारे साथ जुआ नहीं खेल रहा, वो हमारे साथ एक पैटर्न में चल रहा है। लेकिन हमारे अपने ज्ञान की, हमारे सोच की, हमारी हमारी समझ की जो सीमाएं हैं, हम उनसे उनसे इतना बंध जाते हैं कि हम आगे नहीं देख पाते हैं। तो हमें अपनी ज्ञान की सीमाओं को के जो फ्रंटियर्स हैं उनको आगे ले जाना होगा, उनको बढ़ाना होगा, उनको इतना विस्तृत करना होगा कि जो जो इस जगत के, इस ब्रह्मांड के जो पैटर्न हैं उनको हम समझ सकें। और निश्चित रूप से मेरा इस बात में बहुत यकीन है कि ये जो रैंडमनेस है इसको हम पकड़ पाएंगे अगर हम अभ्यास करेंगे। तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास जो हमारे प्रेक्षण है, हमारी टिप्पणियां हैं, हम देखने की क्षमता है, उस बात को समझने की क्षमता है, उसको इंटरप्रेट करने की क्षमता है, अगर उसको लगातार उसमें परिष्कार करते रहें, उसमें उसका बढ़ोतरी करते रहें, तो निश्चित रूप से हम इस अपने इसको मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर हम अपने पूर्वानुमान लगाने की या पहले कोई घटना का एनालिसिस करने की या आगे भविष्य को जान सकने की क्षमता की क्षमता में हम वृद्धि कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बात कहूंगी कि ये टेलेनोसिस जो है इसकी जो जो प्रैक्टिसेस हैं वो और सभ्यताओं में भी हैं और धर्मों में भी हैं और कल्चर्स में भी हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम इस्लाम जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा रिलीजन है, अगर उसमें देखें तो इल्मुल नजूम की बात होती है। इल्म मतलब ज्ञान और नजूम मतलब भविष्य, तो यानी कि भविष्य से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है उसकी बात चर्चा होती रहती है। हालांकि मैं ये डिस्क्लेमर यहाँ पे बहुत साफ तौर पे दे देना चाहती हूँ कि ट्रेडिशनल इस्लाम में इसकी मनाही है, इसको उचित नहीं समझा गया है कि इस तरीके की भविष्य को हम समझने की कोशिश करें या उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन ये इंसानी ज़रूरत रही है, इंसानी मन की एक आवश्यकता रही है, एक अभ्यास रहा है कि हम उसको पढ़ने का प्रयास करें। और अगर इसके बारे में आप कभी देखें तो इसमें सामुद्रिक शास्त्र भी शामिल है, इसमें अंग शास्त्र भी शामिल है। ऐसा एक हमारे यहाँ ज्योतिष में एक विद्या होती है जिसका नाम है रमल ज्योतिष, जिसके बारे में माना जाता है कि ये अरब देशों से आई है। अब ये हालांकि इस पर अब जो भारतीय ज्योतिष हैं वो इसको इस पर विवाद करने लग गए हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वो रमल ज्योतिष जो है वो अरब देशों से आया है नहीं। बहरहाल अगर आप देखें तो इल्मुल नजूम की बात होती है। दिल्ली में एक बहुत प्रतिष्ठित कल्चरल सेंटर है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर है जैसे मैंने कहा। वहाँ पर अभी अभी एक प्रदर्शनी हुई थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि बादशाह हुमायूं की बहुत दिलचस्पी थी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में उसकी बहुत गहरी दिलचस्पी थी और वो बाकायदा इंटरनेशनली रिसर्च बातें जिसमें उन्होंने सामने रखी और बाकायदा इस बात को प्रमाणित किया कि उस जमाने में भी बादशाह हुमायूं, जिसको इस दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो भी ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो इसका मतलब है कि इस जगत में कुछ ना कुछ लोग चाहे वो किसी भी धर्म से हों वो इसमें विश्वास रखते होंगे। और एक मेरा, मैं चूंकि दिल्ली से आती हूँ, पुरानी दिल्ली से मैं आती हूँ, तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कि दूसरे समुदायों से आते हैं और हमने देखा कि वहाँ एक फाल खोलने की एक प्रक्रिया है। फाल खोलने की यानी कि वो कुरान शरीफ को खोलते हैं और उसमें से कुछ वो पढ़ते हैं और उससे वो एक संकेत लेते हैं। हालांकि मैं दोबारा ये बात कहना चाहती हूँ, इसको मेरी बात को अन्यथा ना लिया जाए कि भाई ट्रेडिशनल इस्लाम में इस इन सब चीज़ों की मनाही है, लेकिन मैं ये दोबारा कहती हूँ कि मनुष्य की ये कहीं ना कहीं एक एक जिज्ञासा रहती है, एक कौतूहल रहता है कि वो कुछ दैवीय इशारों की तरफ देखता रहे। मैं बहुत साल चंडीगढ़ में रही और मुझे पंजाब के गांवों में जाने का बहुत मौका मिला और मैंने देखा वहाँ पर सिख समुदाय जो है वो अपने बच्चे का नामकरण कैसे करता है। वो जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनका पन्ना खोलता है और वो उसमें से जो पहला अक्षर दिखता है उसके उसके आधार पे उनका नामकरण करता है।
तो ये एक प्रथा तो ये तो बहुत प्रचलित है और लगभग सर्वमान्य है सिख समुदाय में। इसी तरह से देखेंगे हम चाइनीज ओमन्स हैं, चाइनीज जो कि शकुन अपशकुन का बहुत वहाँ पर विचार किया जाता है। चाइना में फॉर एग्जांपल 8 नंबर जो है वो धन का वेल्थ का प्रतीक माना गया है। जो सफ़ेद चीज़ें हैं वो अनलकी मानी गई है, सफ़ेद कलर अनलकी माना गया है। ये बातें और अब हम सब जानते हैं, आज फेंग शुई की सब बात करते हैं। फेंग शुई का पूरा जो पूरा विज्ञान है, पूरा सिद्धांत है, वो लक्षण शास्त्र पर आधारित है, सांकेत सामुद्रिक शास्त्र पर आधारित है। और उसके बारे में तो वो एक पूरा एक बहुत ग्लोबल एक मैं कहूँगी कि एक व्यवसाय भी है। इसी तरह मैंने देखा, हम जापान में गए तो वहाँ देखा, वहाँ पर अजीबो किस्म की लक्षण शास्त्र है, जैसे कि वो रात को कपड़े बाहर नहीं सुखाते हैं। वहाँ पर भी ऐसी सुविधा है, वहाँ पर भी ऐसा है कि रात को नखून नहीं काटते हैं। कोई अगर फ्यूनरल कॉटेज जा रही होती है तो वो अपना अंगूठा छुपा लेते हैं। अब भाई अंगूठा छुपाने के पीछे क्या है, मैं नहीं इसका कारण जा सकी, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो जापान जैसा समृद्ध उन्नत औद्योगिक रूप से इतना प्रगतिशील देश है, वहाँ पे भी उनके समाज में शकुन अपशकुन का विचार किया जाता है, जो लक्षण शास्त्र जैसा है। एक आयरिश ओमन्स हैं, आयरलैंड में आप जाइए तो वहाँ पर बहुत उनके अपने अलग ओमन्स हैं। मैं इंग्लिश जो कि आज हमारी वेस्टर्न सभ्यता का एक तरीके से प्रतिचिन्ह माना जाता है, सभ्यता के वो हैं, लेकिन शकुन अपशकुन का विचार वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी काली बिल्ली अगर काट जाए तो रास्ता काट जाए तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता है। वहाँ पर एक आपको बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊँ कि जो लंदन का जो टावर ऑफ लंदन है, जो कि हमने पिक्चरों में देखा है, जो टेम्स रिवर पर वो लंदन टावर आता है, उस पर अगर देखें तो वो अगर उस पर अगर रेवन्स आ जाएँ तो उनको भगा दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि अगर वो आ जाएंगे तो वहाँ के राज परिवार पर कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। मायान सिविलाइजेशन जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पर हम जाके देखेंगे तो वहाँ पर उनके अपने उमन है। हमने देखा होगा ऐसा उन्होंने सन 2012 में बहुत ये चर्चा हुई थी कि जी अब ये विश्व का अंत होने वाला है और ये मायान कैलेंडर खत्म होने वाला है वगैरह वगैरह। इत्तेफाक की बात है कि मेरा उन्हीं दिनों मेक्सिको जाना हुआ और वहाँ मायन कल्चर में हमने इस बारे में बात की तो पता चला कि वो ये ऐसा नहीं था, इसको मिस इंटरप्रेट किया गया था और एक नए तरीके से उसको उन्होंने कहा कि 2012 के बाद एक फिर से नया अध्याय शुरू होगा मानव संस्कृति में। उसके लिए हमें अब देखना होगा कि उसको हम दोबारा देखें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हमने देखा कि एक लक्षण शास्त्र का जो हमने एक रूप देखा, हम नेपल्स में गए जो इटली का तीसरा बड़ा उनका शहर है नेपल्स, लगभग साउथ में, और वहाँ का जो कैथीड्रल है जो सबसे बड़ा उनका गिरजाघर है, वहाँ पर उनकी सिटी के जो उनके जो नगर देवता हैं या सिटी डीटी हैं जो उनके वो सेंट जेनोरे हैं, उनके शरीर से कुछ खून की को प्रिजर्व किया गया है एक वायल में, एक छोटे एक ग्लास के गोल से शीशे में प्रिजर्व किया गया है और उसमें उसको रखा गया है। और उसको साल में 3 बार देखा जाता है, एक बार शायद सितंबर में, एक बार दिसंबर में और एक बार मई में। और वो देखा जाता है एक उसमें मुहूर्त निकाल के कि क्या वो जो रक्त है वो पिघल गया है कि नहीं पिघल गया। अगर वो नहीं, जब वो पिघल जाता है तो वहाँ बहुत खुशी मनाई जाती है, जो सभा है वहाँ पे वो उसको बहुत उसे एक तरीके का राहत महसूस करती है, क्योंकि अगर वो नहीं पिघला नहीं है तो ऐसा समझा जाता है कि कोई विपत्ति आने वाली है। और ऐसा हुआ है, एक बार 1938-39 में कभी ऐसा हुआ था कि वो जो है जो ब्लड वायल है वो पिघला नहीं था और उसके तुरंत बाद फिर वर्ल्ड वॉर टू में इटली खुद घुस गया था। इसी तरह अभी कुछ साल पहले वहाँ पर वो एक बार ब्लड नहीं पिघला था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। हो सकता है कभी कभी इसमें कुछ गड़बड़ाहट हो सकती होगी, लेकिन निश्चित रूप से ये बात तो है कि वहाँ पर इसमें इसका वहाँ की जनता का, वहाँ की संस्कृति का, उस देश का बहुत गहन विश्वास है और इसको अभी तक फॉलो किया जाता रहा है।
इसी तरह हम और देखें बहुत सारी सभ्यताओं में, जैसे न्यूजीलैंड में मैं गई तो वहाँ पर देखा कि जो वहाँ के नेटिव लोग हैं वो माओरी लोग हैं, बड़े फिजिकली बड़े रोबस्ट लोग हैं और उनके अपने शकुन अपशकुन का विचार करते हैं और बहुत सारे उनके शकुन अपशकुन वॉर से जुड़े हुए हैं और बड़े मज़ेदार वो हैं। जैसे कि हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि अगर पक्षी आपके सामने आ जाए तो आपकी युद्ध में जीत होगी कि नहीं होगी, अगर पक्षी पीछे रह जाए तो आपकी युद्ध में जीत होगी कि नहीं होगी, और इस तरीके से उनके चूंकि वो बहुत लंबे समय तक वो बाकी यूनिवर्स बाकी और देशों से कटे रहे तो उनके जो ओमेंस हैं वो ज़्यादातर अपने सर्वाइवल से लेकर जुड़े हुए हैं, अपनी कि हम सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लेकिन बहरहाल हैं ही। इसी तरह हम देखें कि कोई बात हम करें कि तो हमें उस दिन रावत जी ने भी बताया था और हम खुद भी जानते हैं कि अमेरिका जो अपने आप को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी माने जाता है, वहाँ बहुधा होटल्स में 13वां फ्लोर नहीं होता, 13वां, जबकि वो प्रिडोमिनेंटली कैथोलिक देश नहीं है, वो प्रोटेस्टेंट देश है, लेकिन वहाँ पर भी 13वां जो 13 अंक है वो अशुभ माना जाता है क्योंकि जुडास जो थे वो 13वें शिष्य थे, ये जो भी उसके पीछे कारण हो। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरे विश्व में हर एक सभ्यता में हर एक समुदाय में ये इन किसी ना किसी लक्षण शास्त्र का किसी ना किसी तरीके से बड़ी उसी की उपयोगिता है। इसलिए अगर इस आधार पर हम मान सकते हैं कि टेलीग्नोसिस के जो हमारे संकेत हैं उनकी सार्वभौमिक यूनिवर्सल अपील है, उनकी सार्वभौमिक उनकी बड़ी व्यापक उनकी एक उपयोगिता है जिसको हम नकार नहीं सकते, और वो अलग अलग देश में अलग अलग सभ्यता में अपने उनके देश काल परिस्थिति के अनुसार उनको निकाला गया, पर निश्चित उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपने ज्ञान के आधार पर उसको वो अभी भी कायम रखे हुए हैं। एक यहाँ बात मैं करना चाहूँगी स्वप्न शास्त्र की, हालांकि मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं उसकी एक बात करना चाहूँगी कि हम स्वप्न शास्त्र जब शरद जी ने हम लिखे हैं स्वप्न की बात तो उन्होंने 7 तरीके के स्वप्न बताए हैं जिनमें से कुछ स्वप्न ऐसे हैं जो हमारे को भविष्य भी बता सकते हैं। हालांकि जो फ्रॉयड की जो अभी लेटेस्ट बात हुई है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नाम की एक पुस्तक हुई है जिसमें कि उसका सिर्फ मनोवैज्ञानिक तौर पर उसका विश्लेषण किया गया है, लेकिन स्वप्न शास्त्र की बहुत बड़ी देन है और वो देन है हमारे आज के विज्ञान पे। मैं सिर्फ 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगी, ज्यादा नहीं उदाहरण दे सकूंगी। एक तो हम सब लोगों ने यहाँ सुना होगा, जो हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे वहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल एलिमेंट्स वो 19वीं शताब्दी के मध्य में उनकी लगभग खोज शुरू हुई और ऐसा कुछ समय आया कि जब हर साल एक नेचुरल एलिमेंट की कौन सोडियम है और कौन क्लोरियम है, कौन हाइड्रोजन है और क्या ऑक्सीजन है और उनके क्या एटॉमिक उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या गतिविधियाँ हैं, उनको देखा गया। तो वहाँ पर उसमें उसके बारे में जो रिसर्च कर रहे थे तो एक उनके सामने वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती थी कि उनको किस आधार पर वर्गीकरण किया जाए ताकि वो एक लॉजिकल भी लगे और उनकी जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं उनको वो एक टेबल फॉर्म में लाए, इस पर वो बहुत मंथन कर रहे थे। तो रशियन एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनको इस कैटेगरी का इस पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक एलिमेंट टेबल बनाने का एक श्रेय दिया जाता है, उनका नाम है इवानोविच मेंडेलीव के ने किया। तो वो इस पर बहुत मंथन कर रहे थे और वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे थे और फिर उसको उनको इस पीरियोडिक टेबल की जो फॉर्म है उसकी रूपरेखा है वो उनको स्वप्न में दिखी और उन्होंने तुरंत उसको लिखा और फिर हमारी आज भी वो 150 साल उस खोज को हो चुके हैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका। तो ये स्वप्न शास्त्र की एक बहुत बड़ी देन है, उपलब्धि है आधुनिक जगत में, आधुनिक विज्ञान में। एक और मैं उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगी कि आज हमारे मॉडर्न साइंस में खासतौर से स्वास्थ्य विज्ञान में बहुत बात होती है जीनोमिक्स की, यानी कि हमारे जीन्स जो हैं वो किस तरीके के हैं और उनमें क्या रोग और क्या स्वास्थ्य और क्या कर सकने की संभावनाएं हैं और क्या उनको हम उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं कि ये जीन के जो स्ट्रक्चर है
ये इसकी खोज कैसे हुई थी? इसके ऊपर 1952 में दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था, और उनमें एक नोबेल जो थे उनको वाटसन नाम के जो साइंटिस्ट थे वो इस पर रिसर्च कर रहे थे कि जो हमारे जीन्स हैं इनका आकार क्या है, इनकी संरचना क्या है, और उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि ये दो सांप आपस में लिपटे हुए, और उस वो सांप के आधार पर उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि जो हमारे जीन्स हैं ये डबल हेलिक्स के आधार के शेप में होते हैं। अगर हम जीन की संरचना कभी भी देखें तो वो दो लिपटे हुए सांपों जैसी दिखती है। इसका ज्ञान उनको स्वप्न में हुआ था। ये बड़ी और इससे इसके ऊपर न केवल उन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ लेकिन हमारे स्वास्थ्य जगत में, वैज्ञानिक जगत में इस बिल्कुल क्रांति आ गई। एक तरीके से हमारा देखने का, सोचने का तरीका ही बदल गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि टेलिनोसिस की जितने भी अंग हैं, जितने भी उसके साधन हैं, उन सब का कहीं ना कहीं साइंस में भी उपयोगिता रही है, और हमारी साइंस से कोई लड़ाई नहीं है। कोई हम कहते हैं हम दोनों को एक साथ मिलके चलना होगा। देखिए बड़ी मज़ेदार मैं आपको एक बात बताऊं कि इनकी जहाँ टेलिनोसिस यानी लक्षण शास्त्र के की, या हम जैसे कहते हैं पशु पक्षियों की जो उपयोग का उपयोग बहुत ऐसे जगह भी किया जाता है जहां पर बहुत हाई स्टेक्स है। आप लोगों को याद होगा कि जब फीफा का 2010 का वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो पॉल नाम का एक ऑक्टोपस था जिसको जर्मनी में रखा गया था ओबरहॉसन में, और वो उसके इधर उधर वो दो फ्लैग रख देते थे जब मैच होने वाला होता था, और जिधर वो फ्लैग की तरफ वो मुंह करता था तो वो ऐसा माना जाता था कि वो फ्लैग वो वाला देश जीतेगा, और उस इस तरीके से उन्होंने उससे वो प्रिडिक्शन लेते थे, और ये पाया गया कि उसकी जो प्रिडिक्शन थी वो करीब 85% सही थी। इसी तरीके से अभी हाल ही में जो कतर में फीफा 2022 हुआ है, वहाँ पे एक दुबई से एक पेंगुइन लाई गई थी विशेष टोबी, जो कि इन सब प्रिडिक्शंस का काम करती थी, और कुछ उसने बड़े आश्चर्यजनक रूप से प्रति जो उसने प्रिडिक्शंस की वो सही निकली, खास तौर से जब सऊदी अरेबिया ने उनको अपने रेनिंग चैम्पियंस को हराया। तो हालांकि बाद में इसकी जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस देखी गई वो कुछ कम थी, 65 परिसर। तो ऐसे उपयोग हम लक्षण शास्त्र में जहां इतने हाई स्टेक्स होते हैं वहां पर भी यूज़ करते हैं। इसी तरह वर्ल्ड कप 2018 में अखिली कैट इसका इस्तेमाल किया गया, और ऐसा माना गया कि इसने जो जो प्रडिक्शंस किए वो सब लगभग सही प्राप्त हुए। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि टेलिनोसिस जो है, ये जो विज्ञान है, ये हमारे पास ये हम इस जानकारी को, इस ज्ञान को हम कहीं ना कहीं हर मानव हर एक जगह विज्ञान में भी यूज़ कर रहा है, ज्ञान में भी यूज़ कर रहा है, शास्त्र में भी यूज़ कर रहा है, कहाँ नहीं यूज़ कर रहा है। तो क्यों नहीं हम इसको आज मॉडर्न साइंस से, मॉडर्न तकनीक से जोड़ कर बात करें। देखिए जब बार बार हमारी जब टेलिनोसिस के ऊपर बात हुई है तो हमने ये कहा है कि हम लोगों को हमारी जो हमारी विज्ञान से या मैथमेटिक्स से कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल भी मैं विज्ञान की स्टूडेंट रही हूँ, मेरी विज्ञान से कोई लड़ाई नहीं है। आज हम सब एक दूसरे से इस दूर दूर बैठे हुए बात कर पा रहे हैं तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन हमारा जो हमारी जो विरोध है वो विज्ञान की हठधर्मिता से है, यानी जो विज्ञान का डॉग्मा है कि बस विज्ञान ही सही है और विज्ञान ज्ञान की अंतिम सीमा है, उस हठधर्मिता से, उस डॉग्मा से हमारी लड़ाई है। और हमारा यहाँ पर प्रयास रहेगा, हमने इतने पिछले दिनों में हमारे को इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्या हम उनको विज्ञान के साथ मिल जोड़ सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ पर टेलिनोसिस उसके साथ जुड़ सकता है? मैं ये नहीं कह रही कि वो उसके आगे जा सकता है, लेकिन निश्चित साथ जुड़ने की उसमें हमारे पास पूरी पूरी संभाव्यता है, और हमारे पास ये दायित्व भी है कि हमने जो पिछले दो महीनों में सीखा है इसके हम ब्रांड एम्बेसडर्स बने। जहाँ हम बात करें हम इसको सीखें, समझें, इस कला को मांझें और हम इसके ब्रांड एम्बेसडर्स बने। तो मैं अंत में यही बात कहूँगी कि कठोपनिषद का एक हमारा बहुत एक हमारा श्लोक है, उतिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत शुरस्य धारा निशिता दुर्त्या दुर्गम पथस्त तत्व वदंती।
यानी उठो और जागो और जो कि हमारे बोध में है उसको हम प्राप्त करें। लेकिन इसके जो दूसरी लाइन है उसमें हमें वॉर्न किया गया है, हमको चेताया गया है कि ये जो है ये दुर्गम पथ है और ये शुरस से धारा है, यानी कि ये कृपाण की धारा है, इस पे चलने में हमें बहुत बहुत सावधानी रहनी होगी, बहुत सतर्क रहना होगा। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। इस ज्ञान के पथ पे जब हमें चलना होगा तो रास्ते में जो हमें प्रलोभन आएंगे, चाहे वो हमारे को पैसे के आए, चाहे वो हमको प्रशंसा के आए, चाहे प्रसिद्धि के आए, चाहे वो हमारे अहंकार की पुष्टि के लिए, उन प्रलोभनों को से बचकर हमको इस कृपाण की धारा पे चलना है और हमको इसके सच्चे एक साधक के रूप में निकलना होगा। बहुत सारे हम कई बार देखते हैं कि इन ऐसी विद्याओं का जो जब दुरुपयोग होने लगता है, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, तो इसके लिए फिर हमारे को बहुत तो ये इस पूरी विद्या पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसके सच्चे स्टूडेंट बने, हम इसके सच्चे साधक बने और हम इसके सच्चे एक एम्बेसडर्स के रूप में निकलें। जहां हम बात करें हमारी बात में वो कन्विक्शन हो कि हम इस बात को कह सकें। और इसके लिए निश्चित रूप से जैसा रावल जी हमसे बार बार आग्रह करते रहे हैं, हमको अपने आप परिष्कार करना पड़ेगा, अपनी आध्यात्मिक प्रगति की तरफ बहुत जागृत रहना पड़ेगा, अपनी आत्मिक परिष्कार के लिए हमें बहुत प्रयासरत रहना होगा। और मैं दोबारा आप लोगों का से अनुग्रह करूंगी, आह्वान करूंगी, आग्रह करूंगी कि हम इस मार्ग पर चलें। और अंत में मैं दोबारा आपको याद दिलाऊंगी कि हमारे प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, Arise, awake and stop not till the goal is reached. धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद शिखा जी, आपने इस विषय पर बहुत अलग अलग दिशाओं से इतना अच्छा प्रकाश डाला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इसे सुनेगा एक बार मजबूर हो जाएगा ये सोचने के लिए कि इस विज्ञान को हमें समाज में प्रचारित प्रसारित और उसको उसको हमारे अपने आलिंगन में लेने की आवश्यकता है। मैं आपका आभारी हूँ, आपने इतनी मुश्किल चीज़ को भी इतने आसान ढंग से अच्छी भाषा में, सरल भाषा में हमको समझाया। और मैं आशा करता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो डेफिनेटली इस पर ध्यान देंगे।